वेलकम बैक टू द चैनल जैसे कि आप प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी चेकआउट कर रहे थे रिलेटेड टू द निफ्ट काउंसलिंग वीडियोज़ सो जो ये वीडियो हमारा कंटेंट आ रहा है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द निफ्ट काउंसलिंग ओनली जिसमें कुछ बच्चों को डाउट्स हैं रिलेटेड टू द सीट्स ऑफर कि उसका हम क्या करें जो हमें ऑफर सीट करी गई है उसका हम क्या करें सो so, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट अपडेट ये देना चाहता हूँ कि जो कुछ ग्रुप्स यहाँ पे ऐसे हैं हमारे पास ग्रुप स्टूडेंट्स के जो जिनको सीट्स अलॉटेड हुई हैं एंड दे वॉन्ट टू गो विट सीट बट वो उसको अपग्रेड करना चाहते हैं मीन्स अगर एडमिशन मिलेगा तो हम इस पर भी ले लेंगे फोर्थ ऑप्शन में अगर मुझे निफ़्ट लाइब्रेरी मिला है तो मैं वहाँ ले लूंगा बट मैं उसका अपग्रेड भी देखना चाहता हूँ जो मैंने उसके ऊपर ऑप्शन फिल किए थे तो उन बच्चों को डाउट नहीं है वो लोग अपनी फीस पे कर रहे हैं ऑलरेडी फ़ीस पे करके अपग्रेड करेंगे बट कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको जो अलाट सीट हुआ है बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट मीन्स दे आर नॉट श्योर कि मैं एडमिशन लूँगा कि नहीं लूँगा आगे मैं क्या करूँ फिर तो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको फ़ीस पे करना ही पड़ेगा तो ही आप सेकेंड राउंड में एप्लीकेबल हो पाओगे या थर्ड फ्यूचर काउंसलिंग में एप्लीकेबल हो पाओगे अगर आपने फ़ीस पे नहीं किया और तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे ये मत सोचिएगा आप लोग कि जो फर्स्ट राउंड में मुझे सीट अलॉट हुई है उसको मैं फीस पेमेंट नहीं करूँ और मेरा नेक्स्ट राउंड में मैं बैठूंगा सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग करेंगे सो so आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं पेज नंबर थर्टीन पर जो फेलियर टू रिपोर्ट ऑनलाइन में लिखा हुआ है कि हम किन किन केसेस में हमारा जो सीट अलॉटेड है एक्सेप्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ फेलियर जो हमारा रिजेक्टेड हो जाएगा ऑफर लेटर डॉक्यूमेंट हमने अगर प्रॉपर अपलोड नहीं किया या हम लोगों ने टाइम पे मतलब फ्रॉड कुछ ऐसा किया या टाइम पे रिपोर्ट नहीं किया वो सब पॉइंट्स इसमें थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़िए आप ऑप्शन टू रिजेक्ट और नॉट एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट मीन्स जो आपको अलॉट किया गया है यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट कैंडिडेट हु वॉन्ट टू रिजेक्ट द अलॉटेड सीट कैन डू सो बाई नॉट कम्प्लीटिंग द स्टेप्स फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड द सीट एक्सेप्टेंस फी आप ऑनलाइन रिपोर्ट मीन्स आप सीट फीस सीट की जो फ़ीस आई है आपके ऑनलाइन जो शो कर रहा है आपके लॉगिन करने पर वन लैख एटी थ्री थाउजेंड अगर आपने वो और फॉरेन फॉरेन कैंडिडेट्स का अलग है स्पॉन्डर्ड कैंडिडेट्स का मतलब एनआरआई और इसका जो भी आपको फ़ीस शो कर रहा है अगर आपने वो पे नहीं करा और तो आप इन द टाइम लिमिट तो आपकी सीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी कोई बात नहीं बट प्रॉब्लम यह है कि रिजेक्ट होने के बाद आप नेक्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते मीन्स कैंडिडेट हु नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कैंडिडेट हु रिजेक्ट द अलॉटेड सीट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग सो आप ये मत सोचिएगा कि हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है और मैं सेकेंड काउंसलिंग कर लूँ नहीं अगर आपको सेकेंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग करनी है देन ऑल्सो आपको जो फीस प्रेजेंट की जा रही है आपके लॉगिन पर आपको कंप्लीट पे करनी है फीस पेमेंट करने के बाद ही आप सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के लिए एप्लीकेबल हो पाओगे कि उसमें हम फ्रीज़ करें या स्लाइड करें या अपग्रेड करें यह आपको डिसाइड करना है बट फीस पेमेंट करने के बाद ही ये ऑप्शन आएगा अब इन तीन ऑप्शंस का क्या मीनिंग है फ्रीज स्लाइड और अपग्रेड का ये ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है ऊपर नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर बाई चांस हमने वन लैख एटी थ्री और जो हमारा अमाउंट है हमने पे कर दिया फ़ीस बट इन फ्यूचर में भी मुझे एडमिशन नहीं लेना है तो मेरे फीस का क्या होगा उस केस में आपका फीस रिफ़ंड हो जाएगा आफ्टर बट रिफ़ंड कब होगा जो आपको फिफ्थ काउंसलिंग से पहले आपको रिजेक्ट करना होगा अपना आ, या मेल करना होगा आपको उसमें ऑप्शन आएगा रिजेक्ट का उसमें फिफ्थ काउंसलिंग से पहले ही आपको अपना एप्लीकेशन डालना होगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ दी सीट जब आप फिफ्थ राउंड से पहले ही अपना कैंसिलेशन का एप्लीकेशन दोगे तो आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग सम अमाउंट लाइक राइट तो फिफ्थ और फाइनल राउंड के पहले ही आपको अपना एप्लीकेशन देना होगा फॉर दी ड्रॉप आउट तब आपकी फीस रिफंड होगी बट आफ्टर डिडक्टिंग सम अमाउंट लेकिन अगर आपने फिफ्थ राउंड के बाद आपने एप्लीकेशन दिया फॉर ड्रॉप आउट तो आपका सिर्फ सिक्योर सिक्योरिटी अमाउंट कुछ रिफंड होगा बाकी अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा उसके लिए आपको एक बार ब्रोसर को भी गोथ्रो करना हो कितना अमाउंट डिडक्ट होगा बट यू नीड टू पे द अमाउंट फॉर द फर्दर काउंसलिंग राउंड्स राइट सो इंपॉर्टेंट चीज़ आप आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया है कि आपको कॉल जो जिनको भी ऑफर उफ, आया हुआ है जिनको पास भी ऑफर्स हैं सीट्स का पेमेंट का आपको पेमेंट करना कंपलसरी ही है अगर आप फ्यूचर राउंड के काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं तो राइट right? सो so, आज के लिए इतना ही था दी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थैंक यू सो मच